नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, चेचक के दाग होने पर नीम की हरी पत्तियों को पीस लें तथा रात को सोते समय चेहरे पर लेप लगा लें। सुबह उठकर चेहरा पानी से धो लें। ऐसा 2 महीने तक प्रतिदिन करने से चेचक के दाग दूर हो जाते हैं। नंबर दो, यदि शरीर के किसी हिस्से में कांटा चुभ गया हो तो उस स्थान पर हींग का घोल भर दें। कुछ ही समय में कांटा स्वतः निकल आएगा। नंबर तीन, अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन लगे तो जान ले बुखार हमला करने वाला है। नंबर चार, नींबू का अचार मोटे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर पाँच, आम सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये दिल को मजबूत बनाता है और रंग को साफ करता है और भूख को भी बढ़ाता है। नंबर छः, खाने में काले जीरे का इस्तेमाल करने से पेट और आंतों की बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर सात, जब भी अपने नाखून काटें तो तेल लगाएं, इससे आपकी याददाश्त बेहतरीन होगी और कमजोर नजर भी तेज हो जाएगी। नंबर आठ, चबाने वाले फल ज्यादा खाएं, इससे ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ हो जाएंगे। नंबर नौ, दोपहर के वक्त सो लेने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। नंबर दस, दही में केले मिलाकर खा लिया जाए तो कभी भी जिस्म में कमजोरी नहीं होगी। नंबर ग्यारह, मोटापा कम करना है तो आधा चम्मच पीसी हुई कलौंजी 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम ले, वजन कम हो जाएगा। नंबर 12, रात के वक्त अनार खा लेने से दिमाग को बहुत ताकत हासिल होती है। नंबर 13, तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर भून ले। इसे रुई के फोहे में लेकर फोड़े और फुंसी पर बांध दे। यह प्रयोग प्रतिदिन करने से फोड़ा और फुंसी 2-3 दिन में ही सही हो जाता है। नंबर 14, दांतों में कीड़ा लग जाने पर रात को दांत में हींग दबाकर सोए, कीड़े खुद व खुद निकल जाएंगे। नंबर 15, भूख ना लगने पर 1 गिलास गर्म पानी में काली मिर्च का पाउडर, नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से भूख खुलकर लगने लगती है। नंबर 16, रोजाना खाने के बाद छाछ पीने से कोई रोग नहीं होता है और चेहरे पर चमक आती है। नंबर 17, सुबह खाली पेट 4 गिलास गुनगुना पानी पीने से वजन कम हो जाता है और चेहरा गोरा होता है। नंबर 18, चाय के चम्मच के बराबर खीरे का रस निकाल लें और इतना ही गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन मिलाएं। इन तीनों को मिलाकर लगाने से रंग गोरा होता है। नंबर 19, रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 5 काजू खाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर 20, सर में खुश्की बहुत ज्यादा हो तो दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर मिक्स करके सर पर लगा लें और 30 मिनट बाद सर को धो लें, इससे सर की खुश्की बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नंबर 21, छुहाड़ा खा लेने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 22, चावल को भूनकर उनको रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह छानकर चावल के पानी को पेट से पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 23, कच्चे पनीर में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बच्चों की डाइट में पनीर जरूर शामिल करें, इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। नंबर 24, बरसात में बाहर जाने पर सूज भीग जाते हैं, उसको जल्दी सुखाने के लिए न्यूज़पेपर की बॉल जैसे बना लें। अब इस बॉल को सूज के अंदर रख दें और कुछ न्यूज़पेपर लेकर बाहर से सूज को रैप कर लें। 3 से 4 घंटे में ही सूज सूख जाएगा। नंबर 25, दोपहर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पड़ने लगती है और जिस्म में दर्द सा महसूस होता है। जब तक लेट ना जाए चैन नहीं आता है, इसलिए दोपहर को सलाद में खीरा ज़्यादा खाएं। यह सुस्ती दूर करेगा और शरीर को ताकत देगा। नंबर 26, अगर आपको स्किन पर एलर्जी, दाद, खाज की दिक्कत हो तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसे गुनगुना करके उस पानी से नहाएं।
आप सिंपल पानी से नहाने के बाद नीम की पत्तियों का पानी अपने शरीर पर डाल ले। इसके अलावा नहाने के कुछ देर बाद शरीर पर नारियल के तेल की मालिश करें। इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर फिर भी स्किन की एलर्जी ना जा रही हो तो खून का टेस्ट जरूर कराएं। स्किन एलर्जी वाले लोग जितना हो सके गर्मी से बचें, क्योंकि स्किन की एलर्जी कुछ लोगों को गर्मी के दिनों में ज्यादा होती है और ये ठंड में खत्म हो जाती है। नंबर 27, रात की बची हुई रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से शरीर को कई तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। नंबर 28, ज्यादा बीज वाली सब्जियां और फल खाने से पीत की पथरी हो जाती है। नंबर 29, नाश्ते में ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर की दिक्कत हो जाती है। नंबर 30, रोजाना अपने हाथों और पैरों की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोया करें, आप काफी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 31, ज्यादा मीठा खाने से चेहरे पर झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती है। नंबर 32, मेथी के पत्तों का साग खाने से खून साफ होता है और भूख बढ़ती है। नंबर 33, दिल घबराने और छाती में दर्द होने तथा सीने में जलन आदि दूर करने के लिए नींबू की सिकंजी बनाकर घूट घूट करके पी ले। नंबर 34, मसूर की दाल के पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और स्किन टाइट और जवान होता है। नंबर 35, गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। नंबर 36, सुबह देर से उठने से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं और शरीर आलसी बन जाता है। नंबर 37, अदरक वाले पानी का सेवन करने से खून नहीं जमता है। नंबर 38, सूजन वाली जगह पर पान के पत्ते रगड़ने से सूजन खत्म हो जाती है। नंबर 39, शरीर में खून की कमी हो तो गाजर के रस में नींबू का रस मिलाकर सेवन करें। नंबर 40, बिस्किट को नमी से बचाने के लिए किसी एयरटाइट बॉक्स में टिश्यू पेपर लगाकर थोड़ा सा चावल डालकर फिर बिस्किट रखें। ऐसा करने से बिस्किट खराब नहीं होंगे, क्योंकि चावल बिस्किट के नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 41, जो लोग गर्मी में कद्दू का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें सुकून की नींद आती है और खून की कमी नहीं होती है। नंबर 42, उम्र बढ़ने की वजह से स्किन पर बुढ़ापे के असर दिखाई देने लगते हैं, तो हल्दी खाएं, ये आपको जवान दिखाएगी। नंबर 43, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आप सुबह के समय बकरी का दूध पिया करें, इससे आपको थकावट नहीं होगी। नंबर 44, बाजरे की रोटी दूध के साथ खाने से शरीर में ताकत आती है। नंबर 45, मौसमी का रस हृदय रोग नाशक तथा शक्तिवर्धक होता है। आधा कप मौसमी का रस सुबह नाश्ते के साथ प्रतिदिन सेवन करने से हृदय रोग में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।